बंदा मोटरसाइकिल लो उत्थे ते उन्हों फड़के बिठाओ बस ठीक है सौ बंदा फड़के बिच बिठाउणा नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिलका से आ रही है। फाजिलका में पुलिस व प्रशासन लगातार सख्त होता जा रहा है। आज फिर से पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। डीसी चौक में पुलिस द्वारा नाका लगाकर वाहनों के चलान काटे गए। इतना ही नहीं, लोगों को पकड़कर जेल भी भेजा गया। फाजिलका पुलिस द्वारा शहर में मार्च भी निकाला गया। इस दौरान भी हर आने जाने वाले व्यक्ति से पूछा गया कि वे लोग आखिर घरों से बाहर क्यों निकल रहे हैं। जो लोग बेहद जरूरी काम को जा रहे थे या फिर अपनी ड्यूटी को जा रहे थे, उन्हें पुलिस द्वारा जाने दिया गया। बाकी लोगों को पकड़कर पुलिस द्वारा वैन में बिठाकर अस्थाई जेल में भेजा गया। पुलिस पूरी तरह से सख्त हो गई है। आज फाजिलका के डीएसपी जगदीश कुमार, थाना सिटी के प्रभारी राजेंद्र शर्मा, थाना सदर की प्रभारी शिमला रानी तथा थाना कुईखेड़ा के प्रभारी बलविंदर सिंह द्वारा फाजिलका में चेकिंग की गई। इसके साथ ही यहां पर गांव लालोवाली से पहुंचे रमन कुमार की अगुवाई में डीएसपी जगदीश कुमार पर पुष्प वर्षा की गई, उनका धन्यवाद किया गया। फाजिलका पुलिस द्वारा लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग छेड़ी गई है, उसमें सहयोग देने के लिए फाजिलका के डीएसपी जगदीश कुमार तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा करके उनका सम्मान किया जा रहा है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। देखो, 22 मार्च तो लैके अज तक जिहड़ा करफ्यू अते जो लॉकडाउन चल रहा है, इहदे विच असीं फाजिलका जिले नूं ग्रीन जोन दे विच रखा होया है। इहदा सिरा मैं जिहड़ा साडी पब्लिक है इसनूं सब तो पहलां देवांगा। उस तो बाद साडे जिहड़े सफाई कर्मचारी ने, साडे सेहत कर्मचारी ने, साडे पुलिस अते सिविल दे जो अधिकारी ने, ते इस तो अलावा जो साडा मीडिया कर्मचारी ने जो साडी अपील नूं बार बार पब्लिक नूं दिखा रहे ने, पब्लिक दे विच ओह मीडिया जिहड़ा प्रचार कर रहा है, उहदी बदौलत ही असीं जिहड़ा साडा फाजिलका जिले नूं ग्रीन जोन दे विच रख सके आ। सर, की मैसेज देना चाहोगे तुसीं अज साडे इस चैनल दे माध्यम नाल आम पब्लिक? मेरा फाजिलका निवासियां नूं इही अपील है, तुहाडे चैनल राहीं भी ते होर अखबारां राहीं भी जो साडीआं खबरां लग रहीआं ने, कि लोग जो करफ्यू है साडा, जो लॉकडाउन है 3 मई तक लग्या होया, इहदी पालना करन, अपने घरां दे विच रहन, ते कोई जरूरी ही जे कोई एमरजेंसी काम है तां उह बाहर निकलन, अदरवाइज अपने घर विच ही रहन, ते इह लॉकडाउन ते करफ्यू दी पालना करन, ते साडे जिहड़ा जिला है जो ग्रीन जोन च अजे तक बणिया होया, इहनूं ग्रीन जोन दे विच ही बणाई रखन। फाजिलका पुलिस द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उन्हें घरों में रहने को कहा जा रहा है। लोग है कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। बेहद जरूरी काम के लिए जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें पुलिस द्वारा जाने दिया जा रहा है, जबकि बिना वजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इनके वाहनों के चलान काटे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग घर से बाहर निकलने का स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें पुलिस द्वारा एक गाड़ी में बिठाकर फाजिलका के एमआर कॉलेज के स्टेडियम में बनाई गई अस्थाई जेल में भेजा जा रहा है। उनके खिलाफ धारा 188 के अधीन कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस द्वारा हर आने जाने वाले व्यक्ति की
चेकिंग की जा रही है। हर चौक चौराहे पर पुलिस कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। फाजिलका के डीएसपी जगदीश कुमार के नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी के साथ फाजिलका पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ छेड़ी गई जंग को जीतने के लिए पुलिस द्वारा ऐसा किया जा रहा है। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए लोगों से अपील है कि वे अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे हमारा चैनल।